लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने स्पीकर को सौंपा नोटिस। बीआरएस की ओर से भी अविश्वास प्रस्ताव दाखिल, सांसद नामा नागेश्वर राव ने दिया नोटिस। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव को दी मंजूरी, कहा चर्चा के बाद तारीख का होगा ऐलान। विपक्षी अविश्वास प्रस्ताव पर बोले प्रहलाद जोशी, कहा पीएम मोदी के ऊपर जनता का विश्वास, पहले भी अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है विपक्ष। अविश्वास प्रस्ताव पर बोले कानून मंत्री मेघवाल, हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार। मोदी सरकार से विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से कोई खतरा नहीं, मौजूदा लोकसभा में बीजेपी के अकेले दम पर बहुमत हासिल। लोकसभा में बीजेपी के पास 301 सांसद, बीजेपी के सहयोगियों को मिलाकर एनडीए के पास 333 सांसद। संख्याबल के आधार पर लोकसभा में विपक्ष कमजोर, इंडिया के पास केवल 142 सांसद। अविश्वास प्रस्ताव पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, विपक्ष किस बात का अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल का बयान, कहा विपक्ष सिर्फ समय खराब कर रहा है, सरकार मणिपुर पर चर्चा चाहती है। अविश्वास प्रस्ताव पर बीएसपी सांसद मलुक का बयान, मणिपुर राजस्थान छत्तीसगढ़ में अत्याचारों पर हो चर्चा, तीनों स्टेट में बदले जाए सीएम। अविश्वास प्रस्ताव पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, हम जानते हैं कि नंबर हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन लोकतंत्र संख्याबल से कहीं ऊपर। बिहार के सीएम नीतीश का बयान, कहा मणिपुर पर विपक्ष मांग रहा है जवाब, पीएम कुछ बोलना नहीं चाहते। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर कसा तंज, कहा जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर ना फेंके, बेगूसराय पर क्यों नहीं बोल रहे हैं सीएम। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का आरोप, सदन में चर्चा से भाग रही है सरकार, प्रस्ताव लाने का मकसद सदन को चलाना। बीजेपी सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे का विपक्ष पर अटैक, कहा संसद नहीं चलने देना चाहता विपक्ष, हताशा निराशा और कुंठा में लाए अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पर रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद प्रेमचंदन का बयान, कहा यह संख्या का सवाल नहीं, देश ने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट, लिखा मोदी सरकार पर जनता के विश्वास को ये सत्ता लोभी क्या समझेंगे। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर गिरिराज सिंह का विपक्ष पर अटैक, कहा पुराने घपलेबाजों के नए ऑर्गेनाइजेशन की पहली हार होगी। राज्यसभा में विपक्ष का भारी हंगामा, मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी। राज्यसभा में बोले नेता विपक्ष खड़गे, कहा संसद ने मेरा माइक बंद किया गया, अपमान करके मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई गई। उद्धव गुट के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा विपक्ष पीएम को संसद लाने के लिए हर हथकंडा अपनाएगा। मणिपुर हिंसा पर उद्धव ठाकरे का बयान, कहा बतौर महिला भारत की राष्ट्रपति क्या कर रही हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर जयपुर में कांग्रेस ने निकाला फ्लैग मार्च, प्रताप सिंह खाचरियावास की अगुवाई में निकला मार्च। मणिपुर के कांगपोकपी में तनाव के बाद असम राइफल्स के जवानों की तैनाती, फिलहाल हालात में काबू। मणिपुर में 83 दिन बाद इंटरनेट बहाली के आदेश, शर्तों के साथ मिलेगी ब्रॉडबैंड सर्विस, मोबाइल इंटरनेट अभी भी बंद। कारगिल के शहीदों को नमन, द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर 3 चीतल हेलीकॉप्टर ने बरसाए फूल। द्रास में युद्ध स्मारक के ऊपर 4 MiG-29 विमानों का फ्लाईपास्ट, कारगिल विजय दिवस के मौके पर दिखाया दम। कारगिल विजय दिवस के मौके पर मोदी का ट्वीट, शहीदों और उनकी शौर्य गाथा को किया नमन, कहा देशवासियों को हमेशा देगी प्रेरणा। कारगिल विजय दिवस पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कारगिल युद्ध में जान गंवाने वाले जवानों को दी श्रद्धांजलि। लद्दाख के द्रास में कारगिल के शहीदों के परिजनों से मिले राजनाथ सिंह, स्मृति चिन्ह और शॉल देकर किया सम्मानित। राजनाथ सिंह ने द्रास में हट ऑफ रिमेम्बरेंस संग्रहालय का भी किया उद्घाटन दौरा, कारगिल के शहीदों की याद में बना है संग्रहालय। द्रास में बोले राजनाथ सिंह, कहा राष्ट्र का मान सम्मान किसी भी चीज से ऊपर, इसके लिए LOC पार करनी पड़ी तो करेंगे। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे पहुंचे द्रास मेमोरियल, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। द्रास मेमोरियल पर एडमिरल आर हरि कुमार ने भी चढ़ाया पुष्प चक्र, शहीदों को किया नमन। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भी वॉर मेमोरियल पर दी पुष्पांजलि, देश पर जान न्योछावर करने वालों को किया याद। लद्दाख के द्रास में CDS जनरल अनिल चौहान वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कटक में प्रेसिडेंट मुर्मू ने मधुसूदन दास को दी श्रद्धांजलि, प्रतिमा पर चढ़ाए फूल, किया नमन। दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कारगिल के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम, कारगिल शहीदों की स्मृति वाटिका पर पहुंचे सीएम योगी,
शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भोपाल में मनाया गया कारगिल विजय दिवस, शौर्य स्मारक पर पहुंचे सीएम शिवराज, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कारगिल विजय दिवस पर राहुल गांधी का ट्वीट, शहीदों को किया नमन, लिखा देश शहीदों का हमेशा ऋणी रहेगा। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कारगिल में शहीद वीरों को दी श्रद्धांजलि, कहा मैं वीर जवानों को करता हूं नमन। कारगिल विजय दिवस के मौके पर संसद में शहीदों को नमन, दोनों सदनों में सांसदों ने दी श्रद्धांजलि। कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर द्रास में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, लद्दाख स्काउट बैंड ने बजाया देश मेरे गीत। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे पर बीजेपी ने सदन स्थगन का प्रस्ताव किया पेश। कोलकाता में बोली बीजेपी विधायक अग्निमित्री मित्रा पॉल, कहा मालदा में दो आदिवासी महिलाओं को पीटा गया, हमें सदन में चर्चा की इजाजत तक नहीं मिली। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आज शाम 7 बजे भोपाल दौरा, बीजेपी पदाधिकारियों के साथ तय करेंगे चुनावी मुद्दे। अमित शाह बीजेपी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन की बैठक में होंगे शामिल, राज्य बीजेपी के बड़े नेताओं भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस चीफ खड़गे की गृहमंत्री शाह को जवाबी चिट्ठी, लिखा पीएम विपक्षी गठबंधन की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं, गृहमंत्री सहयोग के लिए लिख रहे हैं लेटर। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी गठबंधन के नए नाम को लेकर विपक्ष पर किया हमला, कहा इकट्ठे हुए घोटालेबाजों का इतिहास सबको पता है, इंडिया की तुलना आतंकी समूह से करने पर भड़के सांसद संजय सिंह, कहा हाथ जोड़कर देश से माफी मांगे पीएम मोदी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह से की मुलाकात, मॉनसून सत्र के लिए निलंबित है संजय सिंह और रजनी पाटिल। राघव चड्ढा पर भी सस्पेंशन का खतरा, बीजेपी के चीफ व्हिप लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में शरद पवार के घर पहुंचे सीएम केजरीवाल, राघव चड्ढा मुलाकात कर आगे की रणनीति पर की चर्चा। बीजेपी पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा मेरे साथ वादा निभाते तो फडणवीस को डिप्टी सीएम पद पर पार्टनर नहीं रखना पड़ता। अधिकारियों के ट्रांसफर रद्द करने पर बोले सीएम नीतीश, कहा कुछ अधिकारियों का हो गया था अनावश्यक तबादला, इसलिए किया गया है रद्द। एमपी कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ का बीजेपी पर अटैक, कहा किसानों की आय कम हो रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। सीएम शिवराज का ऐलान, संत रविदास के स्मारक पर खर्च होंगे 102 करोड़ रुपए। भीलवाड़ा में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, लाल डायरी को लेकर कांग्रेस ऑफिस की दीवार पर लिखे स्लोगन। मंत्री छगन भुजबल की याचिका पर मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस रद्द करने की अपील पर ईडी के मांगा जवाब, 8 अगस्त को अगली सुनवाई। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई, चीफ जस्टिस ने सर्वे को लेकर एएसआई एक्सपर्ट को बुलाया, शाम 4 बजे होंगे हाजिर। G20 नेताओं की मीटिंग के लिए दिल्ली का ITPO कॉम्प्लेक्स तैयार, पीएम मोदी आज शाम करेंगे उद्घाटन। प्रगति मैदान का ITPO कॉम्प्लेक्स 123 एकड़ में बनाया गया, 2700 करोड़ की लागत से हुआ है तैयार। नई दिल्ली के ITPO परिसर में हवन पूजन कार्यक्रम, पीएम मोदी ने लिया हिस्सा, शाम को उद्घाटन करेंगे पीएम। हवन पूजन के दौरान मौजूद रहे कई केंद्रीय मंत्री, निर्मला सीतारमण, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल शामिल। ITPO बिल्डिंग बनाने वाले श्रमजीवियों से मिले पीएम मोदी, शॉल ओढ़ाकर किया सम्मान। पीएम से मिलने पर बोली महिला श्रमिक, कहा पीएम के मिलने और सम्मान देने से हम बेहद खुश, हमारी कड़ी मेहनत का आज मिला है इनाम। गृहमंत्री शाह ने नवनिर्मित ITPO बिल्डिंग का वीडियो किया शेयर, शानदार दिखी इमारत। ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कटक में चंडी मंदिर में किया दर्शन पूजन। ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची मोदी सरकार, कल दोपहर 3:30 बजे होगी सुनवाई। दिल्ली में बोले उत्तराखंड के सीएम धामी, प्रदेश में उद्योगों के लिए जल्द आएगी नई पॉलिसी, एप्पल और कीवी मिशन के तहत बढ़ावा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मीटिंग, सेवा से जुड़े कई मुद्दों पर अधिकारियों ने ली जानकारी। दिल्ली में सुबह से लगातार तेज बारिश, ITPO के पास सड़कों पर भरा पानी। लगातार बारिश से दिल्ली में गीता कॉलोनी में भी जलभराव, स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी। लगातार बारिश के कारण दिल्ली में मेहरौली बदरपुर रोड पर जलभराव, काफी स्लो हुआ ट्रैफिक। हिंडन नदी उफान पर, नोएडा में PCL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का स्टेडियम पूरी तरह से डूबा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हिंडन में बाढ़ का असर, पॉश हाउसिंग सोसाइटी में घुटनों तक भरा पानी, सीवर और ड्रेनेज सिस्टम फेल। हिंडन नदी में पानी में डूबा नोएडा के इकोटेक 3 का इलाका, ड्रोन से ली गई तस्वीर दिखी डूबी हुई गाड़ियां। गाजियाबाद के रिहायशी इलाकों में हिंडन नदी का पानी घुसने से अफरा तफरी, मौके पर NDRF की टीम। ग्रेटर नोएडा में हिंडन की बाढ़ में डूबी किसानों की झोपड़ियां, सुथियाना गांव में खेतों में पानी भरने से सब्जियों की फसल को नुकसान।
नोएडा के सेक्टर 19 और 152 में भी जलजमाव, सड़क पर पानी भरने से लोगों को हुई परेशानी। नोएडा में घने बादलों के चलते छाया अंधेरा, महामाया ओवरब्रिज के पास बादलों से ढकी बहुमंजिला इमारतें। नोएडा के कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी, फिल्म सिटी के पास दलित प्रेरणा स्थल के सामने जलभराव। नोएडा के सेक्टर 37 में भी सड़क पर भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में हर तरफ जलभराव, सुबह से हो रही है तेज बारिश। मुंबई के जुहू बीच पर समंदर की ऊंची लहरें, मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई में भारी बारिश से कुर्ला में जलभराव, आईबीएस मार्ग पर 3 फीट तक भरा पानी, कई एक बेस्ट बस खराब, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। मुंबई में जल आपूर्ति करने वाला तानस डैम भरा, ओवरफ्लो की आशंका, प्रशासन ने डैम का एक गेट खोला। मुंबई का विहार झील में हुआ ओवरफ्लो, विहार झील से भी होती है मुंबई को जल आपूर्ति। कोल्हापुर में बाढ़ का खतरा बढ़ा, राधानगरी डैम का चौथा दरवाजा भी खोला गया, शिरोल इलाके में शिफ्ट किए जा रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की समीक्षा बैठक, बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात के लिए जानकारी। तेलंगाना में भारी बारिश ने नदियों का उफान बढ़ाया, मुंगलू वारंगल के बीच NH 164 पर पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। तेलंगाना के वारंगल में बढ़े बाढ़ में फंसे लोग, NDRF और पुलिस ने किया रेस्क्यू। हैदराबाद में पुरानी कुतुबशाही मस्जिद पर गिरी बिजली, 400 साल पुरानी मस्जिद को पहुंचा नुकसान। हरियाणा में आज भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने 27 जुलाई तक दी है चेतावनी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया बाढ़ प्रभावित भवानी खेड़ा का क्षेत्र निरीक्षण, कहा 15,000 एकड़ में फसल हुई खराब। CM खट्टर ने कहा बाढ़ और बारिश से लाखों का नुकसान हुआ, सभी नुकसान का आकलन करेगी हमारी उप आयुक्त की टीमें। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर संपत्ति और पशुधन के नुकसान का ब्यौरा होगा अपलोड, स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका को एक्टिव रहने के आदेश। शिमला में बारिश के साथ लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे पर 2 जगह, ब्रोनी नाला और ज्योरी में गिरा मलबा, ट्रैफिक बंद। शिमला के कंधार में फटा बादल, स्कूल समेत कई इमारतें बही, एक युवक भी बहा, निचले इलाकों में आई बाढ़। उदयपुर के मोरवन की पुलिया पर बह रही है नदी का पानी, बहाव में फंसे बाइक सवार 2 युवक क्रेन की मदद से बचाया गया। पंजाब के 19 जिलों में बाढ़ बारिश का कहर, अब तक 41 लोगों की मौत, राहत कैंपों में रह रहे हैं 1600 से ज्यादा लोग। वडोदरा में बाढ़ के पानी में रिहायशी इलाके में पहुंचा मगरमच्छ, हरनी इलाके में रोड पर चलता दिखाई दिया मगरमच्छ। बिहार के भागलपुर में इंजीनियर श्रीकांत शर्मा के घर विजिलेंस की रेड, 80 लाख से ज्यादा कैश मिला, ज्वेलरी और बेनामी संपत्ति के पेपर्स भी मिले। कर्नाटक के उडुपी में एक टॉयलेट में छात्राओं की वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में 2 केस दर्ज, कर्नाटक पुलिस का बयान, नहीं मिला कोई सबूत या वीडियो रिकॉर्डिंग। लखीमपुर खीरी में डॉक्टर का कारनामा, मरीज के पैर की बजाय पेट का किया ऑपरेशन, भीरा इलाके का मामला। बागपत में इंडियन ऑयल की गैस पाइपलाइन फटी, यमुना नदी में फूटा पानी का फवारा। मेरठ में किठौर थाना क्षेत्र में मणिपुर जैसी बर्बरता, नाबालिग लड़की से गैंगरेप कर निर्वस्त कर पीटा, आरोपियों ने वीडियो भी बनाया। केस दर्ज होते ही एक्शन में आई पुलिस, 3 आरोपियों के गिरफ्तार। हरिद्वार के भृगु आश्रम और मंदिर पर बुलडोजर की कार्रवाई, खाली कराई गई सरकारी जमीन, हाईवे अथॉरिटी को सौंपी गई है जमीन। आगरा के कागारोल में डबल मर्डर, जमीन को लेकर विवाद में की गई हत्या, पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी। आगरा में एक युवक ने दूसरे युवक पर किया यूरिनेट, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर भेजा जेल। रायबरेली में एक युवक की संदिग्ध मौत, पेड़ पर लटकता मिला शव, पुलिस ने शुरू की जांच। मुरादाबाद में हर्ष फायरिंग, कुछ लड़कों ने एक घर पर की फायरिंग, फेंके हाथ के गोले। अलीगढ़ में पुलिस का फ्लैग मार्च, संवेदनशील इलाकों में मार्च, मुहर्रम को लेकर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। 28 जुलाई को दिखाई जाएगी ताजिया की झलक, 29 को निकाला जाएगा मेन ताजिया। DCP नॉर्थ ईस्ट ने भाईचारा कमेटी के साथ की बैठक, मुहर्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारी करेंगे बैठक। ताजिया को लेकर आए 62 आवेदन में से 10 अहम, 10 में से 4 बड़े ताजिया। ताजिया की ऊंचाई 10 फीट से कम रखने की अपील, DCP नॉर्थ ईस्ट ने कहा दिल्ली में गलियां छोटी होने की वजह से की गई है अपील। पाकिस्तान जाने वाली अंजू के पिता का बयान, कहा भारत छोड़ते ही अंजू के साथ हमारा रिश्ता खत्म, उसने जो किया वो शर्मनाक। गैर बासमती सफेद चावल की कमी से पूरे अमेरिका के स्टोर प्रभावित, खरीदने की लिमिट हुई तय। ग्रीस में वायुसेना का एक फायर प्लेन हुआ हादसे का शिकार, जंगल की आग पर पानी डालते वक्त हुआ क्रैश। लिस्बन के जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश, 77 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया।
एनबीए सुपरस्टार लेब्रॉन जेम्स के सबसे बड़े बेटे ब्रॉसी जेम्स को आया कार्डिक अरेस्ट, अस्पताल में इलाज जारी। स्पेन एक्स क्रूज 7 में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों ने की ब्रीफिंग, 17 अगस्त को लॉन्च होगा स्पेस एक्स क्रूज 7।